वेलकम इन फॉर्म योर चैनल। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। यह वीडियो एक पैड के ऊपर है जिसके बारे में अक्षय कुमार जी ने एक मूवी भी बनाई है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। सो टीवी पर ऐड आती हैं कुछ पैड्स की, जैसे विस्पर और स्टेफ्री मेन है जो इंडिया में 60-70% खरीदे जाते हैं एक्चुअली। तो दूसरी तरफ मैं जो प्रोडक्ट लेके आया हूँ वो एक शॉपनेट रियल फ्रीडम है, जो इन दोनों को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि इनमें से कौन सा बेस्ट है, और कुछ चीज़ें जो हमसे वंचित रखी गई हैं उनके बारे में भी आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। सो इस तरफ हमने विस्पर लिया है, इस तरफ हमने रियल फ्रीडम को लिया है। क्या होता है, सबसे पहले पैकिंग की बात करते हैं कि जो विस्पर ने पैकिंग दी है वो एक नॉर्मल एक पॉलीथीन की पैकिंग दी हुई है। यहाँ पर जो रियल फ्रीडम ने, जो शॉपनेट ने पैकिंग दी है वो एक सिल्वर पैकिंग है, जो हम किसी भी खाने को पैक करने के लिए लंच बॉक्सेज या टिफिन बॉक्स में डाल कर देते हैं। उसके बाद इसको फाड़ने के बाद इसको, इसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। यहाँ पर इसको हम दोबारा से ओपन करने के बाद रीसील भी कर सकते हैं ऐसे के ऐसे ही। इसके बाद इसके अंदर जब हम इसको विस्पर से कोई पैक अंदर पीस बाहर निकालते हैं तो ये सिंपल इसको यूज़ करना होता है। यहाँ पर शॉपनेट रियल फ्रीडम के अंदर अंदर जो पीस है उसके अंदर भी इसको भी पैक किया गया ताकि कई बार क्या होता है, इसका माउथ ओपन रह जाने के बाद जो मॉइस्चर और बैक्टीरिया इसके अंदर जाएंगे उनसे उसको बचा के रखा जा सके। यहाँ पर जब इसको विस्पर में जब इसको यूज़ करने के बाद इसको फाड़ कर देखना, इसमें सिर्फ 3 लेयर मिलेंगे आपको। पहले प्लास्टिक, फिर इसमें कॉटन बोला जाता है वो एक्चुअली कॉटन नहीं होता, उसके बाद फिर से एक प्लास्टिक जो पॉलीथीन यूज़ किया गया है। यहाँ पर 8 लेयर का यूज़ किया गया है जो 100% कॉटन है। कॉटन आप सर्च कर सकते हो, इसको आप फाड़ के देख सकते हो, किसी पे टेस्ट करवा सकते हो। 100% कॉटन इसके अंदर यूज़ किया गया है विद एनोइन चिप। एनोइन चिप क्या काम करता है, एनोइन चिप पुरानी से पुरानी लकोर या सिजेरियन जो भी बच्चादानी मरसोली को इन्फेक्शन को ठीक करने का काम करता है। USA में ऐसा कोई पैड नहीं है जो विदाउट एनोइन चिप के बिकता हो। हमारे यहाँ पर लोगों की सोच के अनुसार पैड बेचे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लास्टिक यूज़ की गई है, यहाँ पर कॉटन यूज़ किया गया है। ये विस्पर सिर्फ 50 ml तक पानी अब्जॉर्ब कर सकता है, जिसके कारण ये दोबारा चेंज करना पड़ता है। उसके बाद ये सिर्फ ये शॉपनेट रियल फ्रीडम 200 ml से भी ज़्यादा पानी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर सकता है। सो दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ इन दिस प्रोडक्ट। उसके बाद इनके प्राइस के बारे में बात करते हैं। सबसे मेन तो यही है, विस्पर ने प्राइस रखा है 30 रुपये, जिसके अंदर 6 पीसेज होते हैं। शॉपनेट ने इसका प्राइस रखा है 130 रुपये, जिसके अंदर 10 पीसेज होते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं आ गई, शॉपनेट जीत रहा था हर सिस्टम से, लेकिन यहाँ पर 130 और यहाँ पर 30। सो इस चक्कर में लोग यही चीज़ देखते हैं कि यार प्राइस किसका कम है। एक्चुअली प्राइस के मामले में शॉपनेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी देखते हैं इसके बारे में कुछ। मैंने अपने एक फ्रेंड से पूछा था कि ड्यूरिंग द पीरियड हाउ मैनी यूज पैड्स, उन्होंने बताया था कि 3 से 4 यूज़ हो जाते हैं महामारी के टाइम पे। तो विस्पर 30 में 6 आते हैं, तो एक पीस 5 रुपये में हो गया, तो 5 × 20 20 रुपये पड़ते हैं उस टाइम पे भी। वो यहाँ पर ये 13 रुपये में एक पड़ता है 200 ml के साथ, यानी कि एक दिन में एक ही यूज़ होगा। रियल फ्रीडम इसको इसलिए भी बोला गया है फ्रेंड्स कि जब भी लेडीज़ कॉलेज या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो उनको बार बार चेंज करने के लिए कहीं जगह ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ चेंज करना पड़ेगा कहाँ नहीं, बिकॉज ये यूज़ करने के बाद, रियल फ्रीडम यूज़ करने के बाद उनको बिल्कुल फ्रीडम मिल जाता है, आज़ादी मिल जाती है, इसलिए रियल फ्रीडम बोला जाता है। ये दोस्तों ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको मिलेंगी जब भी आप सर्च करोगे यूट्यूब पर कि रियल फ्रीडम डेमो वीडियो, आपको मिल जाएगी। एक पर क्लिक कीजिए और आप इसको चेक कर सकते हैं, आपको इसके बारे में पूरा प्रॉपर पता चल जाएगा। इसको यूज़ करने के बाद अगर आपको फिर भी कुछ ऐसा लगे कि जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो कंपनी ने एक गारंटी ली हुई है जिसके ऊपर लिख के दिया है कंपनी ने कि वी पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ़ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाई विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो आप इस कंपनी को वापस कर सकते हैं। फ्रेंड्स कुछ अनदर थिंग्स जो आपको बतानी है, तो जो लेडीज़ विस्पर यूज़ कर रही हैं तो उसके अंदर जो प्लास्टिक लगी होती है, तो उस समय महामारी के दौरान आपको पता ही होगा कि कुछ गंदी गैसेस जो होती हैं शरीर से बाहर निकलती हैं, तो वो प्लास्टिक के कारण वहीं पर रुक जाती हैं, जिसके कारण बॉडी रिफ्रेश नहीं कर पाती, तो वो वापस लौट जाती हैं, वहीं से बीमारियाँ स्टार्ट होती हैं, लकोरियाँ, बच्चादानी में इन्फेक्शंस, सर्जेरियन एंड इन्फेक्शंस होता है जिसके कारण। अब एक बात चेक कर लीजिए कि जब भी लेडीज़ को बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसको अच्छी डाइट दी जाती है, अच्छा खाना खिलाया जाता है, लास्ट में क्या होता है फिर से देखा जाता है कि बच्चा ऑपरेशन से पैदा हुआ। व्हाई, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, जड़ तक जाइए आप। खाना वजह हो सकता है 10-20%, लेकिन खाना भी अच्छा दिया जाता है उस टाइम तो उसको, लेकिन अब
इस पैड को जो 4 से 5 साल के अंदर अंदर ये सब कुछ पड़ गया है। गाँव में भी 60-70% बच्चे ऑपरेशन से पैदा हो रहे हैं, शहर में तो हो ही रहे हैं 90% बच्चे। यही प्रॉब्लम है कि विस्पर यूज़ किया जाता है, सैफ्री यूज़ किया जाता है। ये 30 रुपये के, ये 30 रुपये आपको आपकी आपकी ज़िंदगी छीनने में लगी हुई है। सस्ती चीज़ें खरीदना से अच्छा है कि आप एक प्रॉपर बेस्ट चीज़ खरीदिए, और 13 रुपये कोई ज़्यादा महंगे नहीं होते। सो यही बताना था आपको। अगर शर्म आती है अभी भी किसी को तो ये वीडियो उसको फॉरवर्ड कीजिए, यहाँ से उसको पता लग जाएगा कि कितने हम कुछ गलत चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। सो अच्छा प्रोडक्ट अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हो तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया, सो यू कैन कॉल मी एंड टेक इट योर सिस्टर्स, योर सिस्टर इन लॉज एज अ गिफ्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।